ओए पिछले एपिसोड में आपने देखा हिप हॉप पूरे शहर में नाकाबंदी करवाता है ताकि पीटर शहर से भाग ना सके, पर पीटर लड़की का भेष बदल के रेलवे स्टेशन से भागने की कोशिश करता है। तभी उसकी विग गिर जाती है और हिप हॉप उसे पहचान लेता है तो वो पीटर का एनकाउंटर कर देता है। दूसरी तरफ घोस्ट क्रिमिनल आडम डाकू की हिस्ट्री निकालता है और उसे पता चलता है कि डाकू का एक बड़ा भाई भी है टकला आडम, जो दुबई की जेल में कैद है, तो वो उसे मिलने जाता है। अब आगे ओए। अरे जल्दी करना जी, हम आधे घंटे से यहाँ लाइन में बैठे हैं। अरे रुक जा, बस हमरा हो ही गया 2 मिनट। ये लो डीजीपी साहब, हम पहुँच गए डाकू के अड्डे पे। यहीं पर ही वो उसका काला काम करता है। अरे ये क्या, इंस्पेक्टर हिप हॉप यहाँ पे? अरे भागो रे, पुलिस की रेड पड़ गई, हवालात में डाल देंगे। मैंने तो बोला ही था जी इधर नहीं आना चाहिए, फिर भी तुम लेकर आए। अबे तुझे भी तो चूल थी विदेशी कमोड पर बैठने की। अरे सरकार क्या करूँ, इनको अंदर आने दू क्या? हाँ आने दे। अच्छा हुआ खोल दिया, वरना उड़ा देता। ये क्या, डीजीपी साहब भी है? बताइए आप दोनों का यहाँ पर कैसे आना हुआ? मुझे लगा ही था आडम डाकू तू अपने काले कारोबार फिर से शुरू कर देगा, इसीलिए मैं डीजीपी साहब को सब दिखाने लाया हुआ। अच्छा, पर इंस्पेक्टर मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता, मैं तो बस पुलिस के लिए काम करता हूँ। अच्छा तो तू पुलिस के लिए कमोड भी बेचता है साले, वो देख सामने पड़े क्या है या? रे आडम डाकू, मन्ने थारे से यो उम्मीद ना थी, मैंने तुझे यो इजाजत ना दी थी। अरे नहीं डीजीपी साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ये कमोड हमारे नहीं रोबोट के है। हाँ ये सब रोबोट के अड्डे पे थे, ये किसी गलत हाथों में ना जाए इसलिए हमने रख लिए। हम ये आपको ही लौटाने वाले थे तभी आप यहाँ पर आ गए। झूठ बोलना तो कोई तेरे से सीखे आडम डाकू, फ्रेश माल है ये, रोबोट का नहीं हो सकता। आप मुझ पे फालतू में ही शक कर रहे हैं, अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊ? हाँ भाई इंस्पेक्टर हिप हॉप डाकू सही बोल रहा से, यो रोबोट के ही होगे। और एक नंबर का कमीना है, आप इसकी बातों में आ रहे हो? ए जबान संभाल के इंस्पेक्टर, ये मत भूल तू आडम डाकू के अड्डे पर खड़ा है, जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। अरे अरे इंस्पेक्टर, इसकी बातों को सीरियसली मत लेना, ये बहुत मजाक करता है। अच्छा हुआ तूने बता दिया, मैं तो अपनी गन ही निकालने वाला था। रे चुप करो भाई तुम दोनों, हम यहाँ लड़ाई करने ना आए से। डीजीपी साहब शुरुआत इसने की थी। ठीक से, थारी गलत फहमी दूर हो गई ना इंस्पेक्टर, चलो अब हम यहाँ से चलते से। नहीं अभी मैं आपको बताता हूँ, जब हम यहाँ आए तब 3 लोग उस कमोड के पास बैठे थे, हमें देखकर वो भाग गए, वो पक्का इस आडम डाकू का माल खरीदने आए हो गया। हाँ भाई मन्ने याद आया, मतलब डाकू तूने कमोड स्मगल करना शुरू कर दिया। चुप करो, हमारे ऐसे दिल वाले भले डाकू पर आपको ऐसे आरोप लगाते हुए शर्म नहीं आ रही? चुप हो जा क्रिमिनल, चुप हो जा। नहीं नहीं आज तो मैं इन्हें सच्चाई बता कर ही रहूंगा। वो 3 लोग जो इस कमोड पर बैठे थे वो कमोड खरीदने नहीं आए थे, बल्कि उनकी तो औकात ही नहीं थी ये कमोड खरीदने की। तो फिर बता वो 3 इधर क्या कर रहे थे? वो गांव के गरीब लोग थे जो ख्वाब लेकर आए थे विदेशी कमोड पर बैठने का, और इस भले इंसान ने उनका ख्वाब पूरा किया, क्या गलत किया इसमें? रे वाह भाई, यो तो बढ़िया काम किया, कीप इट अप डाकू। अरे डीजीपी साहब ये सब इसका दिखावा है, अच्छी तरीके से समझता हूँ मैं इस कमीने डाकू को। मैंने भी आपकी तरह इस डाकू पे आंख बंद करके भरोसा किया था कि ये सुधर गया है, और ये नहीं सुधरा, आज भी वैसे का वैसा ही है। तो क्या करूँ, गांव वालों को अग्नि दिया इस आरोप में, अरेस्ट कर लूँ इसे? तू छोटी सी बात का बतंगड़ बना रिया से। ठीक है डीजीपी साहब, तो इसे बोलिए ये अड्डा खाली कर दे और सारे कमोड हम जब्त कर लेते हैं। बहुत हो गया तुम लोगों का, अगर यहाँ से किसी ने एक भी कमोड लिया तो मैं अपनी पे आ जाऊंगा। साला पालतू कुत्ता समझ के रखा है क्या पुलिस वालों का, जब बोलो तब काटने दौड़ू। डाकू हूँ मैं, बेलगाम घोड़ा। हाँ और ये कमोड रोबोट के नहीं है, मेरे है, और मैं इसे बेचूंगा, अगर दम है तो रोक के दिखाओ। ये मत भूलो कि तुम्हें मेरी अभी भी जरूरत है, मेरे बिना तुम घोस्ट क्रिमिनल को नहीं मार सकते। बस यही बुलवाना था तेरे मुंह से, देख लिया ना डीजीपी साहब। अरे सरकार ये क्या कर दिया आपने। चलिए डीजीपी साहब अब हम चलते हैं, हमारे और भी जरूरी काम है। डाकू तू गलत कर रिया से, अभी भी टाइम से रुक जा, मैं तन्ने बाद में कॉल करता सू। ठीक है डीजीपी साहब।
ये इंस्पेक्टर तो मेरे रास्ते का काटा बनते जा रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। ये लीजिए घोस्ट क्रिमिनल, मैंने इसको बाहर निकाल दिया आपके कहने पर। ए कौन है रे तू और मेरे को काई को निकाला? अबे जबान संभाल के, तू सबसे बड़े टॉयलेट माफिया घोस्ट क्रिमिनल से बात कर रहा है। अच्छा है जानता है तेरे को, तेरे आदमी लोग मेरे साथ जेल में थे। हाँ ओए मेरे आदमी लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मिलकर अच्छा लगा तुमसे, वैसे मेरे को इधर क्यों बुलाया? ओए तुम्हारे जैसे काबिल अपराधी जेल में अच्छे नहीं लगते, छुड़ाने आया हूँ तुम्हें वकील लेकर। ये तो नहीं हो सकता रे, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी जेल में चढ़ने वाला है। चिंता मत कर, यहाँ का जज मेरा दोस्त है, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही होगा। ठीक है रे, तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलेगा। अरे वैसे तू तो वही है ना, आडम डाकू का बड़ा भाई। हाँ अपुन वही है और आडम डाकू अपुन का छोटा भाई है। ओए मैंने सुना है तूने एक बार उसे जेल से छुड़वाया है। हाँ वो पुलिस लोग ने उसको अंदर कर दिया था, अपुन अकेला गया था, जेल से निकाला अपुन ने उसको अकेले। ओए बड़े दुख की बात है, तुम भी तो यहाँ जेल में थे पर वो तुम्हें छुड़वाने नहीं आया। सारे भाई खुद गर्ज ही होते हैं। अरे उसको नहीं पता होगा रे, या फिर वो काम में फंसा होगा, वरना वो जरूर आता मेरे को छुड़वाने। ओए नहीं ओए, वो तो ऐश कर रहा है आदमपुर में, वहाँ का बहुत बड़ा माफिया जो है। हाँ खुद गर्ज होते हैं, जरूरत पड़ने पर ही याद करते हैं वरना भूल जाते हैं। हाँ सही कह रहा है तू, वैसे साला मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और वो मेरे को जेल में मिलने भी नहीं आया। हाँ ओए भाई ऐसे ही होते हैं, मेरे साथ भी एक ने ऐसा ही किया था पर अफसोस मैंने उसको जिंदा नहीं छोड़ा। आदम पर पहले तो ऐसा नहीं था, लगता है पैसों में अंधा हो गया, वो सारे रिश्ते भूल चुका है। चल मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ, आदम को मार दे दुबई तेरा, और जो चाहिए वो दूंगा, पैसा दौलत कमोड, तू जो चाहेगा दुबई में वैसा ही होगा। ओए अबे क्या बकरा है, वो जैसा भी है अपुन का भाई है समझा, मैं उसे मार नहीं सकता। मैं समझ सकता हूँ, चल एक और ऑफर देता हूँ, आदम डाकू को मेरे पास ले आ, मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा और अपनी आलीशान जेल में रखूंगा। पर तू आदम के साथ ऐसा क्यों करना चाहता वो बता। ओए अभी वो पुलिस वालों का पालतू कुत्ता बन गया है, उनके लिए मेरे आदमियों को मार रहा है, मैं बस उसे समझाना चाहता हूँ कि उनका साथ छोड़ दे और हमसे मिल जाओए, फिर हम तीनों मिलके पूरी दुनिया में राज करेंगे। ओए ये तो गलत बात है, वो पुलिस वालों के साथ मिल गया, वो जानता नहीं है पुलिस वाले उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। चल मेरे को मंजूर है, मैं आदम को तेरे पास लेकर आएगा, पर याद रखना उसको कुछ होना नहीं चाहिए वरना तेरे को नहीं छोड़ेगा। ओए मैं जबान देता हूँ उसे कुछ नहीं होगा। ठीक है मैं कल रवाना होता हूँ आदमपुर के लिए। बॉस ये क्या किया आप, आदम को जिंदा छोड़ देंगे क्या? ओए नहीं ओए, उसने मेरे भाइयों को मारा है, मैं उसे आसान मौत नहीं देना चाहता था। अब मैं आदम के सामने ही पहले उसके भाई को मारूंगा, तब उसे पता चलेगा ओए दर्द क्या होता है, और फिर आदम को मारूंगा। बताओ आदम डाकू, हम सारे माफियाओं को यहाँ पर क्यों बुलाया है तुमने? देखो मैंने आप सबको यहाँ आपके फायदे के लिए बुलाया है। क्या मजाक है डाकू, अब सबका फायदा भी देखने लगा है? देखो सीधी बात पर आता हूँ, तुम सबको माल रॉबर्ट देता था और अब मैंने रॉबर्ट को मार दिया है, इसीलिए तुम सबका धंधा बंद पड़ा है। बात तो सही कही हो, फिलहाल धंधा बंद पड़ा है पर घोस्ट क्रिमिनल सेठ माल पहुंचा देंगे। ओ मैं भी तो तुम्हें माल दूंगा और वो भी उससे कम दाम में। देख आदम, हम उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते, घोस्ट क्रिमिनल बहुत खतरनाक आदमी है, वो हम सबको मरवा देगा। अगर तुम लोगों ने मेरे से सौदा नहीं किया तो मैं भी तुम्हें मार दूंगा। डाकू ये तो तू हमें ब्लैकमेल कर रहा है, धंधे में ऐसा नहीं होता। देखो मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ, अगर तुम मेरे से मार लोगे तो घोस्ट क्रिमिनल तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैंने रॉबर्ट को मार दिया और पता नहीं कितने और माफियाओं को भी, घोस्ट क्रिमिनल अब मेरे से डर गया है, अब वो आदमपुर में अपना धंधा कभी नहीं करेगा। सुनो अब तो दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या हमारे साथ जुड़ जाओ या सपने देखो, क्योंकि घोस्ट क्रिमिनल का माल तो कभी आदमपुर में आने नहीं वाला, और आएगा भी तो हम छीन लेंगे। भाइयों बात तो सही है, वो काफी टाइम से माल नहीं आया और वो बता भी नहीं रहे कब आएगा। सही कहा, डाकू के साथ जुड़ जाते हैं सस्ते में खमौट मिलेंगे, अपना ही फायदा है। ठीक है तो अब डील पक्की समझू ना, तुम मेरे से ही माल लोगे? हाँ डाकू हम तेरे से ही माल लेंगे। वो फायदे की बात ये है कि अब हमें पुलिस वाले भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आदम उनका फालतू है। हाँ सही कहा, वो अब उनका भी झंझट नहीं क्रिमिनल।
ठीक है सरकार, अभी खत्म करता हूँ। अबे लगता है ये पागल हो गया है। पागल भाग के कहाँ तक जाएगा? सारे डाकू के अड्डे से कोई भी नहीं निकल सकता। सरकार वैसे इनको मरवाया क्यों? ये तो अपने साथ ही काम करने वाले थे। साले अपनी औकात भूल गए थे, मेरे को पुलिस वालों का पालतू बोल रहे थे। ओए क्या हुआ टकले, पहुंच गया क्या आदमपुर? अरे अपन आदमपुर बॉर्डर पे पहुंच गया है। अच्छा ठीक है, पर एक चीज मैं बताना भूल गया था। हाँ बताओ, क्या बताना चाहते हो? हमारी डील के बारे में डाकू को मत बताना, वरना वो कभी राजी नहीं होगा, उल्टा वो तुमसे भी दुश्मनी करेगा। हाँ ठीक है रे, अपनी डील के बारे में अपन उसको नहीं बताएंगा। और ध्यान रहे तुम पुलिस वालों की नजर में ना आओ, वरना वो तुम्हें उठा लेंगे। अपन ध्यान रखेगा, चिंता मत कर, वैसे भी अपन की आदत है पुलिस से छुपने की। ठीक है चल, जब आदम से दूर हो तभी कॉल करना, वरना उसे शक हो जाएगा। अरे कौन है रे तू? तेरे बाप का रोड है क्या? साइड में हट। अबे चने ज्यादा शान पत्ती मत कर, साइड में से कट ले। अबे तू हमसे पंगा मत ले, तू जानता नहीं हम कौन है। साला अपन थोड़े टाइम के लिए बाहर क्या चला गया, बच्चे बाप को ही भूल गए। अबे टकले हम आदम डाकू के आदमी है, आदम डाकू के, अब तू देख तेरा क्या होता है। अच्छा ये बात है, पहले बताना था ना तुम आदम डाकू के आदमी हो। साला जहाँ भी देखो आदम डाकू, उस साले को बड़ा करने वाला इच मैं हूँ। अब लोग आदम डाकू को नहीं, सिर्फ टकले आदम को ही जानेंगे। रे यो के हिप हॉप आ गई, इंस्पेक्टर कैसे आना हुआ इधर? बाबू मोसाय आप सारी सच्चाई जानते हुए भी ऐसे चुपचाप ही बैठोगे क्या? हिप्पू तू जल्दबाजी कर रिया से, ठंडे दिमाग से नहीं सोच रहा। अरे आपने देखा नहीं उसने कैसे हमें धमकी दे दी कि अगर हम उसके कमोड को हाथ भी लगाएंगे तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। हिप्पू सब दिखता से मन ने भी सब याद से, पर अभी उसे रोकना ना चाहिए। अरे पर आप समझ नहीं रहे हो, अगर इसने घोस्ट क्रिमिनल को मार दिया उसके बाद ये खुद घोस्ट क्रिमिनल की जगह ले लेगा, मतलब हमारी पूरी मेहनत बर्बाद। ना इप्पू पूरी मेहनत बर्बाद ना होगी, मारे पे भरोसा रख। आपने देखा नहीं हमने उसके खास आदमी पीटर को मार दिया, वो भी डाकू के बिना, तो अब हमें डाकू की क्या जरूरत है? रे भाई उसने रोबोट को मारा से, जिसे हम आज तक हाथ भी ना लगा पाए। हाँ ठीक है, पर अब तो रोबोट खत्म हो गया ना, और वैसे भी हमें डाकू की इसीलिए जरूरत थी क्योंकि उसे आदमपुर के जंगल का चप्पा चप्पा मालूम था। हाँ पर अभी घोस्ट क्रिमिनल तो बाकी से, और उसे सिर्फ डाकू पकड़ सकता से। पर इसकी कोई गारंटी नहीं है डीजीपी साहब के डाकू घोस्ट क्रिमिनल को पकड़ ही लेगा, ये भी हो सकता है कि वो उसके साथ हाथ मिला ले। ये कभी ना होगा क्योंकि डाकू ने घोस्ट क्रिमिनल के खास आदमियों को मारा से, वो उसका साथ कभी ना देगा। कोई ना डीजीपी साहब, हम हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे और डाकू इंटरनेशनल माफिया बन जाएगा। तू समझ हमें उसकी जरूरत से। ठीक है अब डीजीपी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस फोर्स को मेरी जरूरत नहीं है, उन्हें डाकू की जरूरत है, तो मैं रिजाइन करता हूँ, मुझे नहीं रहना पुलिस फोर्स में। हिप्पू तूने हद कर दी, अब तन्ने सच्चाई बतानी ही पड़ेगी और कोई चारा ना से। कैसी सच्चाई, क्या बोल रहे हो डीजीपी साहब, कुछ समझ में नहीं आया। इंस्पेक्टर सुन, मने पहले से पता था कि घोस्ट क्रिमिनल को मार के डाकू इंटरनेशनल माफिया बन जाएगो, और वो कमोड का धंधा कभी ना छोड़ेगो, इसीलिए मैंने ये सोचा था कि जब डाकू घोस्ट क्रिमिनल को पकड़ लेगो तभी हम वहाँ पे डाकू और घोस्ट क्रिमिनल दोनों का एनकाउंटर कर देंगे। क्या बात कर रहे हो डीजीपी साहब, पर ये तो गलत है, आपने उसे जबान दी थी कि वो पुलिस के लिए काम करेगा, तो आप उसे कुछ नहीं करेंगे? हिप हॉप मैंने भी बोला था उसे कमोड वगैरह ना बेचे, पर वो ना मान रहा तो अब अंजाम भुगते गो, यो जंग से और जंग में सब जायज से। इसका मतलब जब वो घोस्ट क्रिमिनल को पकड़ लेगा तब हम उसे मार देंगे?